अस्सलाम वालेकुम, क्या आपके मोबाइल से भी प्ले स्टोर डिसेबल हो चुका है और या दोस्तों डिलीट हो चुका है? अगर डिसेबल हो चुका है तो कहाँ से आप इसे इनेबल करोगे, अगर डिलीट हो चुका है तो कहाँ से आप इसे डाउनलोड करोगे? तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो वीडियो में जाने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सेटिंग पर देखते हैं कि आपका प्ले स्टोर डिसेबल है कि नहीं। तो इसके लिए आप लोग अपने सेटिंग ओपन कर लीजिए और सेटिंग ओपन करने के बाद आप नीचे जाइए और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा ऐप मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको ऐप लिस्ट भी शो हो सकता है या सादा ऐप भी शो हो सकता है। तो मेरा मोबाइल के अंदर यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट शो हो रहा है तो इस पे टाइप कर लीजिए और इस पे टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लिस्ट, तो इस ऐप लिस्ट पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में भी आप लिख सकते हो प्ले स्टोर और या दोस्तों आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर। ठीक है दोस्तों, तो नीचे जाइए। तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर आ चुका है, तो इस गूगल प्ले स्टोर पे टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन हो जाएगा इनेबल, तो इस इनेबल पे टाइप कर लीजिए तो आपका प्ले स्टोर जो है वो अब यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों अगर आपका प्ले स्टोर आपके मोबाइल से बिल्कुल डिलीट हो चुका है तो कहाँ से आप इसे डाउनलोड करोगी और किस तरह से इसे इंस्टॉल करोगे? तो इसके लिए आप लोग अपने गूगल क्रोम भी यूज कर सकते हो या डायरेक्ट आप गूगल ओपन कर लीजिए। तो मैं अपना गूगल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर सर्च बार में आपको एक वेबसाइट सर्च करना है, APK फेवर। ठीक है दोस्तों, तो इस वेबसाइट को यहाँ पर आप लोग सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट नंबर वेबसाइट आ जाता है APK फेवर, तो इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद टॉप टू राइट पर यहाँ पर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन शो हो जाएगा, तो इस सर्च बार पे टाइप कर लीजिए और सर्च बार पे टाइप करने के बाद यहाँ पर सर्च में आपको लिखना है गूगल प्ले स्टोर। ठीक है दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर आपको यहाँ पर सर्च में लिखना है, इससे यहाँ पर सर्च कर लीजिए और इस सर्च करने के बाद नीचे जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर, तो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया है डाउनलोड APK, तो इस पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद इस ऐड को यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोबारा से नीचे जाइए और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा डाउनलोड APK, तो दोबारा से इस डाउनलोड APK पे टाइप कर लीजिए, एड्स को दोबारा से कैंसिल कर लीजिए। उसके बाद इसका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों इसका डाउनलोडिंग जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही टाइम में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों फाइनली हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है, तो आप इस एप्लीकेशन पे टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी, तो यहाँ पर मुझे अपडेट शो हो रहा है। अपडेट इसलिए शो हो रहा है कि मेरे पास पहले से प्ले स्टोर इंस्टॉल है, तो आपको यहाँ पर अपडेट शो नहीं होगा अगर आपके प्ले स्टोर पे से इंस्टॉल नहीं होगा आपके मोबाइल के अंदर। आपको यहाँ पर इंस्टॉल का बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे टाइप करना है और अपने मोबाइल के अंदर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो गाइस इस तरह से आप लोग गूगल प्ले स्टोर को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।